न्यूज है और वो ये है कि इंडिया के अंदर आईफोन जो 12 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। एक आप ये समझ लें कि एक नया स्टेटस मिला है भारत को इस हवाले से। एक हे ताइवान व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। इंडिया के अंदर आईफोन जो 12 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। एक आप ये समझ लें कि एक नया स्टेटस मिला है भारत को इस हवाले से। एक ताइवान की जो कंपनीज हैं, बेसिकली एप्पल, जितना एप्पल जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाता है वो दो तीन कंपनियों से करवाता था, और एक कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। वो अपना जो यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया लेके जा रहा है तमिलनाडु के अंदर, और ये सदरन इंडिया में आपको पता है। और ये जो नया आईफोन है ये 5G एनेबल्ड फोन है, और ये मेरे ख्याल पहली दफा ऐसे होगा कि इस तरह की जो एक फ्लैगशिप डिवाइस है ये चाइना के बाहर से बन रही है। सो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से। और अगर देखा जाए कि जो एप्पल है वो अपनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग तीन ताइवानी कंपनियों से करवाता था। एक का नाम है फॉक्सकॉन, जो कि ज्यादातर जानी जाती है हॉन हाई प्रिसियन इंडस्ट्री के नाम से, दूसरी पैगाट्रॉन और तीसरी विस्ट्रॉन। और मजे की बात है, ये तीनों कंपनियां सम हाउ दे आर गोइंग इंडिया। इसकी मैं वजूहात भी बताता हूँ कि ये हाउ डिड इंडिया टर्न अराउंड दिस, ये कैसे उन्होंने बनाया। कुछ उनकी अपनी क्वालिटीज थी, कुछ एनवायरनमेंट इस तरह था, कुछ ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरह हुआ, कुछ सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट्स डेवलप हुई। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कोविड के बाद, और कोविड ने जिस तरह इंडिया को ये एक पोजिशन दी है। सो अगर देखा जाए, इंडियन मार्केट जो है वो खुद जो है वो तकरीबन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एनुअल सब्सिडीज देगी 4 से 6% पहले 5-1 साल। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो पैगाट्रॉन है वो भी इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, विस्ट्रॉन भी एक्सपेंड कर रही है, और फॉक्सकॉन तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रही है। इसके अलावा जो फॉक्सकॉन है उसने ये भी फैसला किया है कि वो अपने जो आईपैड्स हैं, ये जो मैकबुक प्रोडक्शन है वो भी शिफ्ट करेगी चाइना से, और वो वियतनाम की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसको मैं अगर पहले अगर स्ट्रेटेजिकली देखूं, अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि हाउ डिड इंडिया मेक दिस, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेसिडेंट ट्रम्प आपके जहन में आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे उन्होंने बेसिकली, जिसे आप कहते हैं ना कि जो अपनी सप्लाई चेन जो स्ट्रक्चर है और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल जो कंप्लायंस है वो बदल दी, जिसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो जारी बात है इंडिया को हुआ है। और इंडिया इस समझे कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी था। और क्योंकि ट्रम्प साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो ट्रेड वॉर शुरू कर दी, और जितनी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एमेजॉन, कॉलकॉम, डेल, ये सारी ये ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी। तो ये एक आप ये समझ लें कि ये पहली दफा हुआ है कि जो टेक इंडस्ट्री है उसने दे नेवर अंडरस्टूड कि जी इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि हालात बदल सकते हैं और इंडिया को ये अहमियत मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो अपना एप्पल है वो अपना 20% जो शेयर था वो चाइना से कमाता था, और इसी तरह जो इंटेल है वो भी अपना 20% यहीं से कमाता था। इवन के एक जो मोबाइल चिप कंपनी है कॉलकॉम, वो भी अपनी 60% सेल जो थी वो चाइना से लेती थी। तो चाइना से हर चीज जो है वो निकल रही है। मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की आपको बताने के लिए कि किस तरह अमेरिकन्स ने, देखें ये एक मैक्रो लेवल पे चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से वो सारी की सारी मार्केट वो जो है वो चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। सबसे पहले तो देखा जाए कि एक तो कोविड आया, कोविड में सप्लाई चेन का बड़ा चैलेंज आया, उससे पहले ट्रेड वॉर्स थी, और बहुत ज्यादा टैरिफ्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाने शुरू कर दिए, किसी ने इसको टेक्नोलॉजी वॉर कहना शुरू कर दिया, और बड़े बड़े हाई टैरिफ्स लगा दिए चाइनीज कंपनीज के ऊपर, 25-25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होने लग पड़े उनको। तो जो बेसिकली एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स हैं वो चेंज किए, और
और इमेजिन करें अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन कह लें या उनका प्लान कह लें चाइना के बारे में टू डेंट चाइना, कि एक साल में उन्होंने 3 दफा अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स चेंज किए और तकरीबन अमेरिका ने 70 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया ताकि वो चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके। और इसके साथ अगर देखा जाए यूएस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर डाला गया जो ताइवान में बिजनेस कर रही थी, बल्कि ये कहा जाता है कि जो यूएस एम्बेसी है उन्होंने बकायदा जाके थ्रेटन किया कि जी जो चाइनीज अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइनीज का बायकॉट करें और यहाँ से निकलें और यहाँ से अपनी प्रोडक्शन खत्म करें। अब बहुत सारे लोगों को जब मैं ये रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए तो मैंने नोट किया कि जो बीजिंग का जो टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटेरियन मॉडल है, मीन्स का जो कंट्रोल था इस सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर और सारे रिजीम के ऊपर, उसको बेसिकली तोड़ा है अमेरिका ने। और अब ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक एक जीत है अमेरिका की और जीत है इंडिया की, बिकॉज इंडिया बिकेम एन ऑटोमेटिकली एक ऑल्टरनेट बन गया। सो दिस इज फर्स्ट टाइम कि जो जो यूएस है उसने वेपनाइज कर दिया टेक सप्लाई चेन को, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन है उसको वेपनाइज कर दिया अपने टैरिफ्स के साथ और अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ और कोर्स किया। सो अभी आप इमेजिन करें कि चाइना जो है उसके अंदर 200 मिलियन टेलीफोन बन रहे थे, मोबाइल फोन बन रहे थे, नॉट टेलीफोन, एप्पल का फोन बना था 200 मिलियन के करीब। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी सप्लाई चेन जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब हुई है। और ये भी डिस्कशन हो रही है कि क्या जो है वो इंडिया या वियतनाम या जो बाकी ममालिक हैं क्या वाकई ये इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, ये एक सवाल जरूर मौजूद है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था इस तरह। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। करते हैं बात जो कमर चीमा ने बोली आईफोन के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा भारत में जब से मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था उसके बाद से भारत में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। आपको भी पता होगा भारत ने अभी कल ही रशिया को पीछे करते हुए तीसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व के मामले में आ चुका है, यानी भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है। और आपको बता दें कि जो ये आईफोन वगैरह और जो जो बहुत सारी मतलब अमेरिकन कंट्रीज़ या मतलब अमेरिकन कंट्रीज़ की जो कंपनियां हैं और बहुत सारी दूसरी कंपनियां हैं भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, इसकी वजह आपको पता था कोरोना था और लोग मतलब अमेरिकन और चाइना के रिलेशनशिप भी थे, और भारत में जो कुछ पुराने कानून थे उनको हटाया गया था जिसके कारण यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। लेकिन अभी भी आपको पता है भारत में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसकी वजह से विदेशी कंपनियाँ भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे जिसकी वजह से यूपी में काफ़ी सारी कंपनियाँ गई हैं, और योगी आदित्यनाथ ने एक लग्जमबर्ग कंट्री है उससे बड़ा एरिया प्रोवाइड किया था कि हम यहाँ पर इतना बड़ा एरिया देते हैं आपको, यहाँ पर आप फॉरेन जो कंपनी है इन्वेस्ट करें, और वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ यूपी में गई हैं। इस वजह से यूपी की मतलब जो जीडीपी है योगी के कार्यकाल में लगभग लगभग डबल हो गई है, मतलब 1 से 2 हो गई है। यूपी अब इंडिया में सेकेंड नंबर पर आ गया है जो बहुत पीछे हुआ करता था, मतलब आप समझ सकते हो कि महाराष्ट्र के बाद यूपी दूसरे नंबर पर है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूपी के लिए। और मीडिया में योगी आदित्यनाथ को अक्सर लोग केवल कवर करते हैं भगवा जैसे श्री राम ये हो जवाने भर का, उसके अलावा उन्होंने ये इस न्यूज़ को कवर नहीं किया कि यूपी जीडीपी में दूसरे नंबर पाया पर आ गया है, मतलब महाराष्ट्र के बाद केवल और केवल योगी आदित्यनाथ के मतलब कार्यकाल में जो इतना तरीके से जो फंग मतलब उन्होंने काम किया है। तो आपको बता दें दोस्तों ये आईफोन वाली न्यूज़ कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, ये कमर चीमा अभी कवर कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, पाकिस्तान अब कुछ भारत के पॉजिटिव चीज़ों पर भी कवर कर रहे हैं, नहीं तो इनको पाकिस्तानियों को भारत में केवल गौमूत्र हिंदुत्व ये और वो इस चीज़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। हालांकि कमर चीमा बड़े दोगले टाइप के इंसान है, कमर चीमा जब पाकिस्तानी मीडिया में होते हैं तो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, वो अलग उनका रूप मिलता है। जैसे आपने देखा होगा शोएब अख्तर पाकिस्तानी मीडिया में कुछ अलग बात करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल में कुछ अलग बात करते हैं, भारतीय मीडिया में रहते हैं कमर चीमा कुछ अलग बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर खत्म। आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया जो आज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मतलब कुछ दिन पहले भारत में, ये इसका सक्सेस रेट तो हमें डेफिनेटली तीन मतलब 10-15 साल बाद ही पता चलेगा, शायद उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट रहे या ना रहे, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आपको पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।